नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मंगलवार के दिन चुपचाप करें लौंग और फिटकरी का ये रामबाण उपाय, जो चाहते हो वो सब मिल जाएगा, धन की होगी वर्षा। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग में एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो आपके हर दुख को खत्म कर सकते हैं, आपके हर संकट को हर सकते हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है, इसीलिए मंगलवार के दिन को हमारे धर्म शास्त्रों में एक चमत्कारी दिन माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी खाली नहीं जाती। दोस्तों, हिंदू धर्म में साफ साफ कहा गया है कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का हमेशा वास रहता है। दोस्तों, कहा गया है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा सही तरीके से करता है, सही साधना से करता है, उस व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी की एक विशेष कृपा बनी रहती है और उस व्यक्ति की हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, वैसे तो हनुमान जी की पूजा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन खास तौर से धर्म शास्त्र के हिसाब से हनुमान जी की पूजा मंगलवार और शनिवार के दिन की जाए तो हनुमान जी महाराज आप पर असीम कृपा बरसाते हैं और आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन कैसे आपको हनुमान जी की पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे आपको उनका आशीर्वाद मिल सके और आपकी हर मनोकामना पूरी हो सके। और मंगलवार के दिन आप ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आपके जीवन की जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाए। मान लीजिए दोस्तों, आप व्यापार करने के लिए बहुत परेशान हैं, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आपके जीवन में तकलीफें हैं, दिक्कत है, आप इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, मेहनत करते हैं परंतु आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, तो इसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आपका मंगल बहुत ही ज्यादा कमजोर है। आपका मंगल इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है जिसके चलते आपको इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, मंगलवार के दिन कुछ उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपका मंगल मजबूत हो जाएगा और आपको हनुमान जी महाराज की असीम कृपा प्राप्त हो जाएगी। और उन्हीं सारी जानकारियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, हम आपको पहले बता देते हैं कि मंगलवार के दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको गलती से भी करनी नहीं चाहिए। जैसे कि हम आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि भगवान हनुमान जी थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो मंगलवार के दिन नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों हनुमान जी महाराज आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। इसीलिए हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन ऐसी कौन सी गलती है जो नहीं करनी चाहिए और मंगलवार के दिन कौन से उपाय हैं जिनको अगर आप करते हैं तो आपको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका मंगल जो है वो मजबूत हो जाएगा और आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे। दोस्तों, मंगलवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको गलती से भी नहीं करनी चाहिए जिससे मंगल कमजोर हो जाता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मंगलवार को कौन से उपाय करने चाहिए ताकि हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो सबसे पहली चीज जो मंगलवार को कभी करनी नहीं चाहिए तो वो होती है दोस्तों, हम मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर तो जाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन भूल कर भी दूध से बनी मिठाई का भोग हनुमान जी को ना लगाएं। इससे बजरंग बली रुष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी को बूंदी बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए, ये हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। नंबर दो, मंगलवार के दिन कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप मांस मदिरा का सेवन मंगलवार के दिन करते हैं तो माना जाता है कि इससे आपका मंगल बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, हनुमान जी आपसे रुष्ट हो जाते हैं और आपके जीवन में कई तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। नंबर तीन, कहा जाता है कि मंगलवार के दिन में कभी भी नमक खरीद कर नहीं लाना चाहिए, और मान लीजिए आपकी सब्जी में नमक कम है तो अलग से नमक नहीं लेना चाहिए। खाना खाते वक्त सामने नमक नहीं रखना चाहिए, मतलब मंगलवार के दिन नमक से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अशुभ माना जाता है। इसी के साथ नंबर चार, मंगलवार के दिन कभी भी ना किसी को उधार दीजिएगा ना किसी से उधार लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में धन की हानि देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन आप ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आपका बंद पड़ा व्यापार चलने लगेगा, आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी, आप अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे, उन्नति करेंगे और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आप ये उपाय लगातार सात मंगलवार करने हैं। सात मंगलवार का मतलब सात सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते।
से तामसिक भोजन का मतलब मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, मांस, मछली, मुर्गा, मुर्गी इन तरीके की चीजों से आपको परहेज करना होगा मंगलवार के दिन। 7 हफ्ते तो बिल्कुल भी आप इन चीजों का सेवन नहीं कर सकते। अब आपको पहले मंगलवार से ये पूजा शुरू करनी है। आपको किसी भी पीपल के पत्ते तोड़ लेने हैं और जो पत्ते तोड़ने हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये पीपल के पत्तों की संख्या 21 होनी चाहिए। अब जो 21 पीपल के पत्ते जो तोड़ने हैं इस पर सिंदूर से जय श्री राम लिखना है, इस पीपल के पत्तों की माला बनानी है और हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के हनुमान जी महाराज को चढ़ानी है। ये उपाय आपने अगर 7 सप्ताह कर लिया, मान के चलिए दोस्तों हनुमान जी महाराज की असीम कृपा प्राप्त होगी और 8वें मंगलवार को आप अपनी जो भी मनोकामना हनुमान जी महाराज के सामने रखेंगे, बोलेंगे, वो अवश्य पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय है फिजूल के खर्चे से बचने का उपाय। मान लीजिए आपके जीवन में धन तो आता है परंतु वे टिकता नहीं है। जैसे जो धन आ रहा है वो टिक नहीं रहा और जो रुक रहा है उसमें वृद्धि नहीं हो रही, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ इतना करना है दोस्तों कि अगर आप चाहें कि आपके जीवन में जो धन आए वो रुके भी और उसमें वृद्धि भी हो, तो आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाना है। मंगलवार को वहां पर एक तेल का दीपक जलाना है, जो सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं उसमें एक लौंग डाल देनी है। अगर दोस्तों आप लोग ये प्रत्येक मंगलवार को करते हैं तो मान के चलिए आपको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपके जीवन में धन की हानि हो रही है, वो हानि होना बंद हो जाएगी। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिसको अगर आप करते हैं तो अवश्य ही आपकी नौकरी लग जाएगी। दोस्तों अगर आप नौकरी के लिए परेशान हो चुके हैं, मेहनत करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं लग रही है तो ये उपाय कर लीजिए। दोस्तों आपने नारियल तो देखा ही होगा, नारियल को दोस्तों अपने घर सोमवार के दिन ले आए। दोस्तों मंगलवार को नहाना है, फिर उस नारियल पर स्वास्तिक का निशान सिंदूर से बना देना है, इसी नारियल को ले जाकर हनुमान मंदिर में दान कर देना है। अगर ये काम आप 11 मंगलवार कर लें तो मानकर चलिए आपकी नौकरी में जितनी भी बाधाएं आ रही थी ये बाधाएं हट जाएंगी और अवश्य ही आपकी एक अच्छी नौकरी लग जाती है। दोस्तों मान लीजिए कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, धन आ ही नहीं रहा तो आप बहुत परेशान हो गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बस ये करना है दोस्तों, एक लाल पोटली लें, लाल पोटली में आपको फिटकरी रख लेनी है। फिटकरी की संख्या होनी चाहिए वो गिन करके 7 होनी चाहिए। सिर्फ एक मंगलवार आपको किसी भी हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है, वहाँ पर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ये जो फिटकरी है इसको हनुमान जी महाराज के चरणों से छुआ देना है और घर लाकर धन रखने के स्थान पर रख देना है। ऐसा करने से धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन से धन संबंधी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी, हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आप पर हो सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आप हनुमान जी की प्रार्थना पूरे श्रद्धा भाव से करें तभी आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।